गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी बिल्ड्स। अपना पावर मॉड्यूल और जॉयस्टिक अब रेडी है। तो सिमुलेटर बनाने में द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द रडर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी वन। इसके लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बनाना है, बिकॉज जॉयस्टिक एंड पावर मॉड्यूल वॉज कंपेरेटिवली ईजी, बट रडर तो हमें पैरों से कंट्रोल करने हैं। एंड उसमें लेफ्ट रडर, राइट रडर, लेफ्ट ब्रेक, राइट ब्रेक, चार कॉम्पोनेंट्स हमें बनाने हैं। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। आई शो यू द स्टफ दैट आई ऑर्डर्ड एंड आई बॉट फॉर इट। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ द रडर पेडल वर्क्स। एक्चुअली इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू रिलेट कि हमें एक्चुअली बनाना क्या है एंड व्हाट वी आर विजुलाइजिंग। सो बेसिकली रडर पेडल में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज टू कंट्रोल द रडर, दैट इज व्हेन यू स्लाइड द रडर पेडल्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक इट इज शोइंग इन द वीडियो। एंड जो दूसरी है वो है ब्रेकिंग एक्शन। सो ब्रेकिंग एक्शन इज मोर लाइक द पेडल्स ऑफ अ कार। सो यू हैव टू प्रेस द पेडल्स। सो इसमें जो ब्रेक्स हैं दे आर डिफरेंशिएटेड लेफ्ट एंड राइट ब्रेक्स, बट दोनों एक साथ दबाने पे दोनों ब्रेक्स लगते हैं। सो ये दो मूवमेंट्स हमें किसी तरह से रेप्लिकेट करनी है। सो लेट्स डू इट। सो फॉर दिस थोड़ा सा हमें कारपेंटर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा वुड वर्क विल हैव टू डू। सो आई एम यूजिंग ऑल द वेस्ट वुड कार्डबोर्ड दैट आई कुड यूज, एंड आई हैव गॉट दिस वॉल एक्सटेंडर, so I might be using this as well. So let's get going. So the first thing that we need to build is something like a pedal. So just to give you an example, suppose this is a piece of wood. We'll place another piece of wood here and put a string in between so that it can be pressed like this. So if you can see, like this. Okay, so these we'll have to make two of these because this is for the braking function of the rudder. So let's get to it. टाइम फॉर अपडेट गाइज। ये एक पेडल मैंने बना दिया है, इसमें बीच में एक हिंज है। सो आई वाज सपोज टू यूज अ स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगानी थी जिससे कि इसका ये वाला एक्शन आई मीन इट शुड पुश बैक इटसेल्फ, बट हुआ ऐसा है कि इसमें ऑटोमेटिकली आई कैन सी दिस दिस मच प्ले, सो आई डू नॉट नीड टू यूज अ स्प्रिंग। सो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। सो ये पेडल बन गया है एक, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड पेडल। तो ओके, सो बस बाद में इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनाएंगे, बट फॉर नाउ द पेडल्स आर रेडी। दिस इज फॉर द ब्रेकिंग एक्शन। सो ब्रेकिंग एक्शन इज डन, बट नाउ वी नीड टू मेक द रडर। Let's start with it. The rudder, I plan to use this somehow. Let's see, let's do it, then we'll see. इस टाइम फॉर अपडेट, ये एक पेडल कंप्लीट हो गया है। एज आई टोल्ड यू, उसमें मैंने स्प्रिंग्स नहीं लगाई क्योंकि दैट वाज नॉट नीडेड। इसके नीचे एक टायर लगाया है सो दैट इट कैन बी फ्रीली मूव्ड ऑन ग्राउंड विदाउट
without any pressure on. I don't know if you can see it. No, you cannot. Can you see it? Yes. So that this can move freely on the ground without any pressure on the support, the stick that I'll be using. So you'll understand it later. So ऐसा है, समझो. This is बीच में सेंटर में एक सपोर्ट होगा जिसके ऊपर आई विल इंस्टॉल दीज सपोर्ट्स जो कि एक सर्कुलर फैशन में मूव कर सकते हैं. एंड देन दिस ऑन द एंड्स ऑफ दिस सपोर्ट आई हैव आर पेडल्स. सो द थिंग इज द पेडल्स विल हैव ऑल द सपोर्ट ऑन द टायर्स. तो मतलब पेडल का सारा जो वेट होगा टायर पे होगा, साथ ही अपने पैरों का भी. बट देन पेडल विल बी कनेक्टेड टू दिस सपोर्ट टू मूव इट. सो दिस वे ये जो सपोर्ट है ये टूटेगा नहीं. सो दिस विल बी द सेम ऑन बोथ द साइड्स. सो ऐसा बेसिकली दिस इज व्हाट आई प्लान. दिस इज द रडर मूवमेंट एंड ब्रेकिंग इज अगेन दिस. सो ऑल लुक्स गुड. लेट्स प्रोसीड. The framework is almost ready. Let me show you how it works. This is the base जिसके ऊपर हमने ये एक stick लगाई है जो कि free to rotate है ऐसे. Okay, so we have this rudder movement on left and right. Other than that, these two are connected to the ends and यहाँ पे हमारा breaking action के लिए एक kind of switch है. See, okay. And this is left and this is right. So this way the चारों movement हमने इसमें बना दिए हैं. Now when this is fixed in on the ground, you can just move it left and right and then break. और इसका जो नीचे का support है, those are on these tires. Yeah, so that's about it. Framework all ready. Now we need to work on the electrical connections and components. Let's do it. So after using it, मतलब पाँव से यूज़ करने के बाद पता चला दैट आई नीड टू इंस्टॉल टू सपोर्ट्स एट द बैक साइड ऑल्सो. ओनली वन टायर इज नॉट इनफ एंड आई डो नॉट हैव मोर टायर. सो आई थिंक दिस शुड वर्क. सो आई इंस्टॉल दीज टू सपोर्ट्स. इफ यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन. यस. सो गाइज, वी आर लर्निंग एज इट इज कमिंग अलॉन्ग. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो समझ में आ रहा है. द थिंग इज, इसके नीचे जो हमने ये बेस लगाया था उसकी वजह से दिस थिंग वॉज टू हाई एंड जिसकी वजह से वो टायर्स नीचे टच नहीं हो रहे थे. तो बेसिकली इसके टूटने का एक चांस बन रहा था क्योंकि अगर हम इस पर पैरों से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये टूट सकता था. इसलिए एक रीज़न ये. दूसरा ये This screw, it वो अभी क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट के कनेक्शन के लिए वी नीड टू इंस्टॉल दिस हेयर ऑन दिस लाइक दिस. एंड ये इंस्टॉल करने के बाद ऊपर से ये स्क्रू भी लगाना है. सो जब ये बेस लगा हुआ था तो वी डिडंट हैव इनफ स्क्रू लेफ्ट उसके ऊपर, तो इसको ब्लॉक करने के लिए. सो दैट्स वाई I decided to remove the base. Now it's all coming together. So for electrical components, I'll just paste it here. But उससे पहले थोड़े से changes इसमें करने पड़ेंगे so that we can
we can fit the electrical component here. So let's see, we'll do that. टाइम फॉर अपडेट, ये पोटेंशियोमीटर मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है एंड ये एक स्टिक लेके जो पोटेंशियोमीटर का टॉप है इसके लिए इसमें एक होल काटा है एंड देन दिस स्टिक इज ग्लूड टू दिस वन. सो व्हेन वी मूव दिस द स्टिक दिस होल सेटअप नो नो मूव्स द पोटेंशियोमीटर. सो दैट्स द होल पर्पज ऑफ इट. सो अपना ये जो रडर पेडल का मॉड्यूल है दैट इज़ कम्प्लीट. सो अभी स्टिल वी आर लेफ्ट विद द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड ऑल्सो वी हैव टू मेक द स्विचेस है द बटन्स फॉर ब्रेक्स इन दिस टू. सो इसका ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर दिस दैट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज. If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, it's confirmed. He's not stopping. Code 3.